नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त विद्या, और इसी के साथ आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में आप लोगों को ऐसे ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं तीन तरीके से आपको स्टेल इफेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। और जो एक है वो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले हम रेंडर सेटिंग करेंगे, और रेंडर सेटिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे ये रेंडर सेटिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है। और उसके बाद क्या है, एम्प्रेस करेंगे मटेरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीरे मटेरियल लेंगे। उसके बाद जो है ये डिफ्यूज में वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे नीचे 20, और जो रिफ्लेक्ट डालेंगे वो डालेंगे 231, और आर ग्लोसीनेस है ये हम डालेंगे 0.7। सब डिवाइस में वैल्यू डालेंगे 24, और ये मैक्स में डेप्थ है ये कर देंगे हम 7। इसके बाद नीचे जो ये देख रहे होंगे आप, फ्रेसनल रिफ्लेक्शन है, इसमें जो फ्रेसनल IQR है इसे ऑन करके और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम 20। तो गाइस, एक इफेक्ट हमारा ये रेडी हो चुका है, ये है स्टिल इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देखेंगे हम क्रोम पॉलिश स्टील, जो होता है जिसमें चमक होती है ज़्यादा। उसके लिए भी हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। वीरे मटेरियल लेंगे, डिफ्यूज में हम वैल्यू 6 करेंगे, 6-8 जो आपको अच्छा लगे 6 कर दें। और ये रिफ्लेक्ट में जो है वो कर देंगे हम 215, 210 टू 215 रखेंगे वैल्यू यहाँ पे हम। और जो आर ग्लोसीनेस है यहाँ पे याद रही है 0.996, 0.996, और जो मैक्स डेप्थ है इसका रखेंगे हम 10। और सेम वही फ्रेसनल IQR की वैल्यू हम चेंज करेंगे और यहाँ कर देंगे इसको 25। तो ये हमारा जो है क्रोम पॉलिश इफेक्ट भी रेडी हो चुका है। तीसरा इफेक्ट है वो है क्रोम स्टेन स्टील इफेक्ट। ये भी लगभग सेम रहता है। तो इसके लिए भी हम वीरे मटेरियल लेंगे, और जो डिफ्यूज़ है उसमें वैल्यू डालेंगे हम 17, 17, रिफ्लेक्ट में डालेंगे 215, और ग्लोसीनेस करेंगे 0.9। इसमें जो ये सब डिवाइस है सब डिवाइस कर देंगे हम 24, और मैक्स डेप्थ कर देंगे इसमें हम 7, और लास्ट जो है फ्रेसनल IQR ऑन करके इसकी वैल्यू कर देंगे हम 25। तो ये हमारा क्रोम स्टेन स्टील रेडी हो चुका है। अब मैं तीनों को एक साथ लगा के दिखाता हूँ आपको फर्क क्या है इन तीनों में। मैंने जो है एंटीवायरस ऑन किया हुआ है पीछे, इसलिए ये थोड़ा हैवी चल रहा है पीसी। ये तीनों, ये अपना स्टील इफेक्ट है, ये आपका क्रोम पॉलिश स्टील है, और ये आपका क्रोम स्टेन स्टील है, ठीक है। और चौथा जो लास्ट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। चौथे में भी हम वीरे मटेरियल लेंगे, और इसका जो डिफ्यूज़ है वो लगभग 190 टू 200 के बीच में करेंगे, और जो रिफ्लेक्ट है वो भी सेम 190, 180, 200 के आसपास, और जो सब डिवाइस है वो करेंगे हम 25, और जो मैक्स डेप्थ है ये करेंगे हम
और जो आर्गलोसिनेस है इसको करेंगे हम 0.76। और इसमें फ्रेसनल रिफ्लेक्शंस है, जो ये फ्रेसनल रिफ्लेक्शंस है इसे हम ऑफ कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा चौथा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब इनको अप्लाई कर लेते हैं। ये सीट मैंने वाइट कर दिया यहाँ से। अब स्टील इफेक्ट यूज करते हैं, तो इसमें पहला दूसरा इसमें हम तीसरा फिल करेंगे। तो ये चारों इफेक्ट मैंने चारों मटेरियल में फिल कर दिया है, और अब इसका रेंडर देख लेते हैं कैसा निकलता है। तो दोस्तों हमारा रेंडर सेटिंग रेंडर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। जो ये फर्स्ट वाला ये स्टील इफेक्ट है, ये स्टील पॉलिश, ये आपका क्रोम पॉलिश स्टील है, ये आपका क्रोम स्टेन स्टील है, और ये आपका रेगुलर स्टील है जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो ये चारों स्टील इफेक्ट आप देख रहे होंगे। तो आई होप गाइस कि ये क्लास भी आप लोगों को पसंद है। और हाँ, एक मेन चीज़ और गाइस कि जब आप इफेक्ट डाल रहे होंगे मटेरियल में आपका, अगर ये सब डिवाइस मटेरियल में आपका अगर ये सब डिवाइस ऑन नहीं हो, तो इसके लिए आपको रेंडर सेटिंग करना है। रेंडर सेटिंग में आइए, और यहाँ पे वीरे में जो ग्लोबल डीएमसी है, ग्लोबल डीएमसी में यूज लोकल सब डिवाइस को ऑन कर दीजिए। वीरे में ग्लोबल डीएमसी के यहाँ पे लॉग नॉइस पैटर्न के नीचे जो है यूज लोकल सब डिवाइस है, इसे ऑन कर दें। आपका जो मटेरियल में ये सब डिवाइस है ये आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो गाइज अगली क्लास में हम देखेंगे मिरर इफेक्ट, ग्लास इफेक्ट कैसे होते हैं, और ग्लास इफेक्ट के भी तीन चार आपको तरीके और तीन चार तरीके के ग्लास इफेक्ट भी बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दूसरों के साथ।